हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं डूरंड कप के बारे में। तो डूरंड कप में कल दो मैचेस था। पहला मैच था दिल्ली एफसी वर्सेस त्रिभुवन आर्मी, जो कि नेपाल का एक आर्मी क्लब है। एंड ये मैच ड्रॉ में एंड हुआ है। एंड दिल्ली एफसी बेसिकली काफी स्ट्रगल कर रहे हैं इस मैच में। एंड पहले तो खैर त्रिभुवन आर्मी ने गोल कर दिया था, दिनेश ने गोल किया 39 मिनट में, फर्स्ट हाफ में गोल कर दिया था। एंड उसके बाद काफी अच्छा होल्ड भी रखा था उन्होंने। दिल्ली एफसी ने कुछ अटैक के कुछ चांसेस क्रिएट किए, बट सैडली वो कन्वर्ट नहीं हो पाए। एंड उसके बाद एकदम लास्ट में जाके गिरिक ने 88 मिनट में गोल किया। अभी दिल्ली एफसी का जो काफी मेजर प्रॉब्लम है, जो कि जो हैदराबाद के मैच के गेस्ट में भी दिख रहा था, वो है फिनिशिंग को लेकर। किसी उतना बड़ा टीम भी नहीं कि प्रॉपर फिनिशर्स रहे, एंड वो फिनिशिंग एबिलिटी को लेकर ही बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है दिल्ली एफसी। वरना टीम काफी अच्छा है, काफी सॉलिड टीम है। एंड कोशिश उन्होंने पूरा किया, लेकिन दोनों ही मैचेस ड्रॉ। इसके चक्कर में हुआ ये कि ये पूरा ग्रुप काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अब इस ग्रुप में एक जो बड़ा टीम है वो है चेन्नई। चेन्नई अपना यहाँ पे मेन टीम खिला रहा है, तो वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब देखते हैं कि आने वाले मैचेस में दिल्ली एफसी एंड त्रिभुवन आर्मी दोनों का ही परफॉर्मेंस कैसा रहता है। एंड वही अगर लोग दूसरा मैच की बात कर ले, जो है गोकुलम केरला वर्सेस इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम। सो ये मैच गोकुलम केरला ने ऑफकोर्स 2-0 से जीत लिया है। तो मैंने पहले ही बोला था कि इंडियन एयरफोर्स बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग टीम, बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग आर्मी टीम नहीं है इन कंपेरिजन टू आर्मी रेड आर्मी ग्रीन। ये तो काफी स्ट्रॉन्ग दो आर्मी टीम्स है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स उतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। सो वहां पे काफी मेजर डिसएडवांटेज है इनके पास। बट गोकुलम केरला ने सच बताऊं तो स्टार्टिंग से बस खेला है, गेम खेला है इंडियन एयरफोर्स की टीम के साथ, मजाक किया, जो स्किल दिखाया। हाँ, देखने में काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक टाइम के बाद तो वो बस शो कर रहे थे, होता है ना ऑडियंस शो करना, तो वो स्किल दिखाना, प्लेयर्स के साथ खेलना, फॉरेन प्लेयर्स भी खेल रहे गोकुलम केरला में। सो देख के अच्छा लगेगा आपको, लेकिन हाँ वो लोग भी सीरियस नहीं थे। 2-0 से मैच गोकुलम केरला ने जीत लिया। गोकुलम केरला का ओके पहला गोल किया सौरभ ने फर्स्ट हाफ में, एंड श्री कुत्तन ने 67 मिनट में दूसरा गोल किया है। एंड पहला गोल भी काफी बढ़िया था, दूसरा गोल भी काफी सॉलिड गोल था। मैं बोलूंगा थोड़ा सा इंडिविजुअल ब्रिलियंस बोल सकते, बट उन्होंने मैच को ज्यादातर इंडिविजुअल ब्रिलियंस में खींच दिया है। सो देखते हैं कि आने वाले मैचेस में इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है दोनों टीम का। और बात करें आज के मैच के बारे में, तो आज का जो पहला मैच है 3 बजे, वो है हैदराबाद एफसी वर्सेस चेन्नई एफसी। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला ही है, क्योंकि हैदराबाद के सीजन का स्टार्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड अगर उनको टूर्नामेंट में टिकना है तो उनको ये गोल ये मैच जीतना ही होगा। एंड हैदराबाद का ऐसे सेकंड टीम है तो चांसेस कम है, वहां पे चेन्नई का मेन टीम खेल रहा है, तो बहुत मुश्किल होने वाला है हैदराबाद के लिए। मोस्ट प्रोबेबली वन साइडेड मैच हम लोग को देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि इस मैच का रिजल्ट क्या होता है। एंड वहीं पर अगर हम लोग आज के दूसरा मैच का बात कर ले, जो है पंजाब एफसी वर्सेस बांग्लादेश आर्मी। सो पंजाब का सीजन का स्टार्ट बहुत अच्छा रहा नहीं, क्योंकि मोहन बगान के अगेंस्ट में उन्होंने हारा है 2-0 से। वहां पे बांग्लादेश का भी स्टार्ट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, 4-0 से हारने के बाद उन्होंने ईस्ट बंगाल के अगेंस्ट में 2-2 से ड्रॉ किया। तो मोमेंटम थोड़ा सा बांग्लादेश के पास ज्यादा है, लेकिन पंजाब काफी ज्यादा बेटर टीम है। एंड टीम अभी नया नया बना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन टीम काफी ज्यादा सॉलिड है पंजाब का। सो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस मैच में पंजाब एफसी का परफॉर्मेंस बांग्लादेश आर्मी के अगेंस्ट में कैसा रहता है। नेक्स्ट खबर है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। तो नॉर्थ ईस्ट ने साइनिंग कंप्लीट कर लिया है मोहम्मद अली बेमामुर का। एंड मोहम्मद अली बेमामुर एक्चुअली फॉरेन प्लेयर है, एंड ये है इस साल के नॉर्थ ईस्ट के नया फॉरेन साइनिंग। डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर, 33 एज इनका, एंड मोरक्कन प्लेयर है। 3.2 करोड़ इनका करंट मार्केट वैल्यू है। एंड डिफेंसिव मिडफील्ड के साथ साथ सेंट्रल मिडफील्ड एंड राइट मिडफील्ड पोजीशन में भी खेल सकते हैं। इन्होंने अपने करियर में कभी भी मोरक्को से बाहर खेला नहीं है, फॉर द फर्स्ट टाइम मोरक्को से बाहर आए हैं, एंड वो भी नॉर्थ ईस्ट में। इससे पहले ने MASFS इताहदी तांगर फार रबत जैसे क्लब्स में खेला है, मोरक्को के कुछ अच्छे फर्स्ट टॉप टीयर्स के क्लब है। रिसेंट फॉर्म अगर हम लोग बात करें तो ठीक ठाक है मोरक्को नेशनल टीम का, होके भी उन्होंने 9 मैचेस खेला है, 2 गोल भी स्कोर किया है। सो मैं बोलूंगा काफी अच्छा एक हाई प्रोफाइल प्लेयर का ही साइनिंग कंप्लीट किया है नॉर्थ ईस्ट ने। एंड अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिकली लास्ट सीजन का, तो लास्ट सीजन उन्होंने 18 मैचेस खेला था, 1 गोल 1 असिस्ट, क्योंकि इनका काम ना गोल करना है मैसेज देना है। स्टार्टिंग 11 में भी 18 मैचेस में इनको स्टार्टिंग 11 में ही मौका मिला था, सो चांसेस उनको मिला है। एंड परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक था लास्ट सीजन। सो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस साल नॉर्थ ईस्ट का होकर इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्योंकि अभी के लिए तो नॉर्थ ईस्ट ने इनके साथ 1 साल का ही टोटल डील साइन हुआ है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहता है ये काफी ज्यादा देखने की चीज होगा। सो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के बीच में। एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, एंड बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड मैं लगना साथ, तब तक के लिए बाय।